हेलो शार्क्स, एसी फुल ऑन है फिर भी गर्मी है, थोड़ा पानी पी लूं? हाँ, बहुत गंदा है, उंगलियों के निशान भी है, लिपस्टिक भी है। आपका तो नहीं है ग्लास? शुगर कॉस्मेटिक्स? शुगर कॉस्मेटिक्स ट्रांसफर प्रूफ है, अमन का ग्लास है वो। आपके साथ भी ऐसा कई बार हुआ होगा कि आप होटल में गए हो या रेस्टोरेंट में गए हो या किसी ऑफिस पार्टी में या किटी पार्टी में, आपने कभी ड्रिंक ऑर्डर किया होगा या मंगवाया होगा एंड आपका ग्लास के रिम्स जो है नॉट रियली क्लीन। सो शार्क्स, ये है मेरा सॉल्यूशन, सिपलाइन ड्रिंकिंग शील्ड। सिपलाइन एक स्टरलाइज्ड, रीयूजेबल और पोर्टेबल अटैचमेंट है जो आपके ग्लास में फिट हो जाएगा एंड व्हेन यू आर ड्रिंकिंग योर लिप्स इज नॉट टचिंग द ग्लास डायरेक्टली। नाउ सिपलाइन का सपना ये है कि दुनिया भर जैसे मास्क का आदत लग गया, वैसे ही सिपलाइन का भी आदत दुनिया लगाए। ये बेसिकली है आपके ग्लास का मास्क। हम आपसे मांग रहे हैं 75 लाख रुपीज फॉर 15% ऑफ इक्विटी फ्रॉम आर कंपनी। सो शार्क्स, उसमें आउट हूँ। सॉरी, मैं आउट हूँ। मैं भी आउट हूँ। भाई क्या कर रहे है यार तू? तो मजाक है क्या? आप क्या बहुत ज्यादा पीते हो क्या? मतलब ये आइडिया भी आपके दिमाग में आया कैसे कि मैं ग्लास को मास्क पहनाऊंगा? ओके सर, आइडिया मैंने खुद प्रॉब्लम फेस किया, इस वजह से आइडिया आया। यार क्या प्रॉब्लम है? मतलब प्रॉब्लम का कोई स्ट्रॉ भी यूज कर सकते हैं? नहीं नहीं, प्रोडक्ट अब्रॉड है क्या? मैम ये पहला प्रोडक्ट है पूरे दुनिया में, इट्स अ पैटेंटेड प्रोडक्ट। नहीं, पहला और आखिरी प्रोडक्ट भी है। इससे ऐसा प्रोडक्ट दोबारा में कोई बनाने की कोशिश ही नहीं करेगा। मेरे इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग व्यूज है। ओके बॉस, देखो ऐसा है कि आप यहाँ पे खड़े हो ना, हाँ, तो कोई नहीं खड़ा है यहाँ पे। ओके, उसकी वैल्यू करो। ये जो प्रोडक्ट है ना, मतलब इससे वाहियात प्रोडक्ट मैंने जिंदगी में ना देखा है ना मैं देखना चाहता हूँ। मेरे को भगवान उठा ले, इतना गंदा प्रोडक्ट है। इसके बाद मैं कुछ नहीं देखना चाहता लाइफ में। मैं आपके थॉट्स बिल्कुल रिस्पेक्ट करता हूँ, आपको नहीं लगता, बट बहुत सारे लोग हैं जिनको लगता है ये वैल्यूएबल प्रोडक्ट है। किसको नहीं लगता? जो मतलब 10 ग्लास दारू पी के अपने ग्लास को देख रहा ना, उसको नहीं लगने वाला ये प्रॉब्लम। आपके ब्रांड नेम में ये डबल पी क्यों है? पहले हाँ SIPPLI नहीं रखना था, बट वेबसाइट एड्रेस उस नाम का नहीं मिल रहा था, इसलिए एक पी ऐड किया, एंड इट साउंड्स बेटर। कोई भी बोलेगा सिपलाइन तो कभी आपको ढूंढ भी नहीं पाएगा। बिल्कुल ढूंढ पाएंगे मैम, सिपलाइन किया तो पूरे इंटरनेट में सिर्फ एक ही चीज मिलता है। ढूंढ कौन रहा है? एक सेकंड जरा रुक जाइए, लेट्स ब्रिंग इट ऑल बैक। आपको लग रहा है ये बड़ा प्रॉब्लम है जो आप सॉल्व करना चाहते हो, है ना? तो ये कोविड के टाइम पे आपने सोचा? नहीं सर, ये 2016 में मैंने एक्चुअली बनाया था, बट कोविड के टाइम पे लॉन्च किया। कोविड प्रोनर जिसे हम कहते हैं, नॉट रियली अ कोविड प्रोडक्ट, इट अवॉइड्स क्रॉस कंटामिनेशन ऑफ एनी काइंड। पिछले महीने क्या सेल्स हुई? टोटल हमने 1200 पीसेस बेचे हैं अब तक। सेल्स कम है, आई एग्री, कम क्यों है? चार रीजंस है। पहला रीजन, अवेयरनेस कम है इसमें। सेकंड, मार्केटिंग, वी स्क्रूड अप इन मार्केटिंग बिग टाइम। जो मैसेजिंग हमको देना था, वी कुडंट रियली पास ऑन दैट मैसेज। थर्ड, सेल्स गाय जो मैंने हायर किया था, ही वाज ऑन एंड ऑफ मेडिकल लीव, सो वहां पे भी कंटिन्यूटी जो मुझे चाहिए था वो नहीं मिला। इनका सेल्स का बंदा जाता था बेचने के लिए, पिटता था, फिर वो मेडिकल लीव में चला जाता। सर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही है। नए कंसेप्ट को अवेयरनेस बहुत जरूरी है। देखो ये सब मजाक की बातें हैं, हम लोग सब ने जब बिजनेस शुरू किया था लोग मजाक उड़ाते थे, तो आप इससे ज्यादा डिस्करेज मत होना, और आप डिस्करेज होने वाले आदमी लगते भी नहीं हो, है ना? बिल्कुल भी नहीं। नहीं, मैं आपको ये कहना चाहूंगी, अगर आइडिया अच्छा होता ना, तो विद वेरी मिनिमम मार्केटिंग भी इट वुड टेक ऑफ। आपकी सेल्स पॉसिबली इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि शायद इसके लिए नीड या डिमांड नहीं है। फॉर दैट रीजन आई एम आउट। आप थोड़ा अपने कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से सोचिए। आपने अपना ब्रांड का नेम, आपको वेबसाइट नहीं मिला, आपको ट्रेडमार्क नहीं मिला, इसलिए आपने इतना कॉम्प्लिकेटेड ब्रांड नेम रखा है। आप कस्टमर के पर्सपेक्टिव से नहीं सोच रहे हैं कि उसको क्या चाहिए। आप ये नहीं सोच रहे हैं कि जो फिनिकी कस्टमर है वो रेस्टोरेंट में जाके ये याद नहीं रखेगी उसको ये लेके घूमना है, वो वहां पे जाके अगर वो फिनिकी है तो वो स्ट्रॉ मंगा लेगी, नहीं तो मोस्ट लोग सोचते भी नहीं है इसके बारे में। तो फॉर दैट रीजन आई एम आउट। लेट मी समराइज इट फॉर यू माय फ्रेंड। अमन के अलावा मेरे को और कोई कस्टमर नहीं दिख रहा है, क्योंकि अमन को ये रोज तकलीफ होती है, तो वो खरीद लेगा आपसे। दूसरी बात, इसे कहते हैं अ सॉल्यूशन लुकिंग फॉर अ प्रॉब्लम। और अगर आप हैबिट ये चेंज करना चाहोगे तो इट विल टेक
मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स, एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स वो चीज में जाती है जिसको आप डिफेंड कर सको। इसमें कोई डिफेंसिबिलिटी नहीं है, अगर चल पड़ा डिफरेंशिएटर नहीं है, नॉकऑफ्स जगह जगह आ जाएंगे। इट इज ओनली अ प्लास्टिक रिंग अराउंड अ ग्लास। तो इस वजह से मैं भी आउट हूं, एंड अनफॉर्चुनेटली यू डोंट हैव एन ऑफर टुडे। बट सर, इसमें जो स्कोप है वो दूसरे बिजनेस में नहीं है। अगर आपको ऐसे लगता है, प्रूव अस रॉन्ग, गो आउट एंड प्रूव अस रॉन्ग, बट वी डोंट थिंक दिस विल वर्क। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सो मच। कबड्डी टूर्नामेंट के फाइनल में आप सभी का स्वागत है। बड़ी बड़ी टीमों को हराकर जिन दो टीम ने इस टूर्नामेंट के फाइनल में अपनी जगह बनाई है, वो है अनुपम के अजूबे और विनीता के वॉरियर्स। यह मैच इतना रोमांचक होने वाला है कि यकीनन आपके दिलों की धड़कनें बढ़ जाएगी। Vinita's Warriors up against Anupam K. Ajube. Vinita's Warriors are leading by 1 point. Final moments of this game, and Anupam K. Ajube have Om Raj raiding for them. Looks for the toe touch on the far side. Comes back to the middle. Looks for the cover. The jump over the chain. That is fantastic. Anupam K. Ajube back in the match. Final raid of the encounter. The scores are level. This is what it comes down to. The champion of Shark Tank, right here. Anupam K. Ajube, have Om Raj. The defense, yeah! Down to four. It's a huge dash. He's off court, and it's a win for Vinita's Warriors. This is history being created in the Shark Tank. Well done, well done. Sharks, maza aaya? Bilkul maza aaya. Bahut I'm glad. आपने सिर्फ देखा एक छोटा सा ग्लिम्स ऑफ व्हाई कबड्डी इज ग्रिपिंग द नेशन कंप्लीटली ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स एज वेल। लेकिन कबड्डी एक खेल है जिसमें सिर्फ जमीन चाहिए और लोग चाहिए। ये खेल जो है भारत का खेल है और ये 4000 साल पुराना खेल है। लेकिन भारत का खेल हैज कम बैक इन एन ऑल न्यू अवतार। इट्स बैक विद अ बैंग एज वेल, एंड इट इज टुडे इंडिया सेकेंड मोस्ट वॉच स्पोर्ट। 50 करोड़ लोग अभी कबड्डी देख रहे हैं हमारे देश में। तो मैं हूं सुहेल चांदोक, मेरे साथ है अरविंद शिवदास और हम हैं co-founders at कबड्डी अड्डा। So कबड्डी अड्डा is a platform where we aim to bring kabaddi to the screens of every Indian household every day of the year। ये करते कैसे हम हैं सुहेल? ये करते हैं with the use of our 3 pillars of foundation। हमारा first pillar है हमारा content and distribution platform। ये हमारा बेस प्लेटफॉर्म है, हमारा वेबसाइट, हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स। हमारे पास 1.5 करोड़ से ज्यादा व्यूज हैं और हमसे जुड़े हैं 5 लाख से ज्यादा एंगेज्ड सब्सक्राइबर्स ऑलरेडी। Yeah, absolutely, and that's a huge number for us already। हमारे दूसरा पिलर है, it is obviously our tournament in a box, यानी हमारा टूर्नामेंट सुइट। यहाँ हम एग्जिस्टिंग लोकल कबड्डी टूर्नामेंट्स को स्प्रूस अप करते हैं, उनको रेलेवेंस देते हैं, उनके लिए व्यूअर्स लाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंटली वी ब्रिंग रेवेन्यू स्ट्रीम। और हमारा तीसरा एंड आवर लेटेस्ट इनिशिएटिव, इट्स आवर वेरी ओन टूर्नामेंट, द K7। So K7 is an asset that we own completely. You know, it's 83 games in our first season. You know, for us, it's really a platform, a product where we wanted to give a platform for youth talent to showcase ability, to showcase talent. 20 players have already received contracts in Pro Kabaddi franchising. That's more than 10% of all the players that were picked up in the recent Pro Kabaddi auction. And that for us is a huge, huge heartwarming fact, given that it's boys that have come through like this. लेकिन यही हम कर रहे हैं K7 और कबड्डी अड्डा के साथ। We are transforming lives through the power of sport. And Sharks, we're here to ask for 80 lakh rupees for 1% of our company, as we would like you to raid with us as we take kabaddi to the world. मैं अपनी पूरी पैनल को अरविंद से इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ। So, of all the passionate about sports people in the world that I know, I think Arvind's probably on top. ये मेरे बैचमेट हैं IIT मद्रास से और हम दोनों इंटर IIT स्पोर्ट खेलते थे फॉर IIT मद्रास। एंड
उनकी जो वाइफ है धन्या, शी वॉज माई बैडमिंटन पार्टनर एंड हमने IIT मद्रास के लिए गोल्ड जीता था साथ में. Many years in, she's also a co-founder with us. Danya, his wife is also co-founder. She's our third co-founder. Okay. तो आपको पता था ये आ रहे हैं? नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं पता था. In fact, we kept it quiet. आपने तभी इनकी टीम को जिताया है. Of course. आपको हम चांस देंगे अगर आप खेल रहे हैं तो. You have a choice. You can win it for your team. Would you like to try an ankle hold? Kabaddi. Yeah. Yes. Your team can win. दंगल वाली फीलिंग क्यों आ रही है थोड़ी थोड़ी भाइयों, देखो ध्यान से मार. मैं पहले बता रहा हूँ, मारना मत. और नहीं नहीं समझो, अगर तुम पकड़ लोगे ना तब सभी रोके रख देंगे. ठीक है चलो आए. ये तो बहुत इजी है. हमारे शार्क्स के लिए एक टाई फाइव मारो. या ऑन द काउंट ऑफ थ्री, एक दो तीन, टाई फाइव. थैंक्स बॉयज, थैंक यू, वेल प्लेड. टाई फाइव, आई लाइक दैट. सबसे पहले तो मेरे को ये क्वेश्चन पूछना है, ये जो देश है क्रिकेट का, इसमें कबड्डी का इंटरेस्ट कहाँ से, किसको जागा आप दोनों में से और कैसे जागा? फाइन, ये क्रिकेट का देश अभी नहीं है, ये क्रिकेट और कबड्डी का देश बन गया है. I've been involved with the Pro Kabaddi League since 2014 as a presenter, as a commentator with them. और जब पहले गेम शुरू हुआ था 2014 में और जब वो लाइट आए थे मैच पे, we knew we were on to something special. I'm getting goosebumps now because उस दिन you know Amitabh ji, Sachin, Aamir Khan, everyone came in to watch the sport. और हमको actually उस समय पता नहीं था कि क्या होगा. I remember a lot of people said अगले क्या आएगा, गिली डंडा लीग, खो खो लीग क्या आएगा, you know, but everyone was proved wrong, including I'll say myself, right? I think I was a professional cricketer going back 6 to 8 years. I don't think I would have been standing here today as a kabaddi co-founder or a kabaddi commentator, right? I'll be honest. आपने बोला आप खुद क्रिकेटर थे. Yes. Unfortunately, when I had an IPL contract in hand back in 2009, I had my first surgery on my knee in 2010 January. Had a subsequent surgery in 2012 and then in 14 as well. So I've had 3 knee surgeries, and I guess I had to give up that dream. But in some sense, I guess cricket was still my—it's you know, cricket's still my first love. Yeah. But kabaddi has become life. Nice. You know, and I think in that sense, it's given me a second innings, which I think a lot of people. Remind you his wife he met at kabaddi. I also met my wife through kabaddi. So कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है. कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है. अभी numbers की बात करते हैं. एक्चुअल नंबर्स, मतलब आपने जो सेल्स किए हुए हैं उनके बारे में बताइए, क्योंकि आपका वैल्यूएशन काफी हाई है एट 80 करोड़. पहले साल में हमने 24 लाख रेवेन्यू किया था, सेकेंड ईयर में हमने 57 लाख इन रेवेन्यू किया है. दिस ईयर टू डेट वी डन अबाउट 1.2 करोड़ इन रेवेन्यू. वी विल डू अबाउट 2.5 एंड फॉर नेक्स्ट ईयर वी हैव signed contracts between sponsorships and media rights of between 10 to 15 crores. But isme dhanda hai, paisa banta hai kya isme? We are evidence that paisa ban raha hai, right? Kitna paisa ban raha hai aapka? Gross margins about 80%. About 40% of the revenues we earn, we reinvest in the ecosystem. It's a 30-40% gross margin business, right? So we are actually profitable. But do baat kahi aapne 80% hai ki 30-40% hai. So 80% is our gross margin. Net margin 30-40 is net. 30-40 is net percent. Nahi, isko thoda todte hain ki aapka paisa banega kaise. Aap keh rahe ho main 500 match karunga. Haan. To per match aapka kitna paisa banega? Okay. As of today, unko already line of sight hai 3 se 5 lakh har match ka revenue banega. Aur ye 5 lakh rupaye kaun de raha hai aapko? So it's split, right? The majority of it comes from our media partner. IPL rights bechte hai na. So Star Sports are buying rights to showcase it on their platform. तो ये 500 match TV पे चलेंगे, OTT में. उसके लिए आपको Disney Hotstar या ये लोग पैसे देंगे. पैसे दे रहे. Correct. अगर TV right नहीं होंगे, तो आपका पैसा कैसे बनेगा? So sponsorship is definitely one.
बट फैंटेसी बिकम्स अ मैसिव रेवेन्यू स्ट्रीम, राइट? आज अगर आप देखोगे दो कंपनीज ऑलरेडी यूनिकॉर्न बने ऑन फैंटेसी अलोन. And on every fantasy... वो तो आपके मैच पे वो चला देंगे फैंटेसी. लेकिन the data comes from us. But the data comes from us. The data is owned by us. We are the biggest players of data in the world of kabaddi today. Arvind and Sohail, मेरे हस्बैंड और मैं बास्केटबॉल लीग चलाते हैं पुणे में अंडर YEA बैनर. ओके. एंड मेरे जो दो बेटे हैं 15 एंड 10 वेरी पैशनेट अबाउट दैट लीग और हम दो साल तीन साल से चला रहे हैं तो ये स्पेस मुझे समझ में आती है. सेकेंडली द फैक्ट कि आप एक इंडियन स्पोर्ट को बढ़ावा दे रहे हैं एट अ ग्रास रूट लेवल ये बहुत बहुत अच्छी बात है. थैंक यू. तो मैं आपको एक ऑफर देना चाहूंगी 80 लाख फॉर 5%. Wow. Wow. Thank you. Just to give you one little addition. So we've just closed a funding round and She Capital has come on board. Kya valuation mili aap jara bataye? 80 crore pre money, 100 crore post money. Aur kitna paisa liya aap? 20 crore. Haan. Yes. One of the parts of the pitch was actually to grow women's kabaddi. Women's sport pe koi investment nahi. So we have actually created Mahila Mondays for the next Jan se 6 mahine. हर मंडे 4 गेम ऑफ वुमेन्स कबड्डी होगा. सो रियली नाइस टू हियर. आई लाइक दैट टर्म महिला मंडे. महिला मंडे. गॉट अ नाइस रिंग टू इट. अब शार्क टैंक पे फिर इतना यू नो 1% स्टेक का ऑफर करने क्यों आए? वी वांट टू गेट शार्क्स ऑन बोर्ड. ब्रांड बिल्डिंग में हमको बहुत हेल्प लगेगा, राइट? अभी हमने प्रोडक्ट बनाया है, ब्रांड नहीं बनाया. मेरा ये मानना है यहाँ पे पैसा बनाना बहुत मुश्किल है. कबड्डी थोड़ा अलग है लेकिन मुझे ये लग रहा है कि आप आज यहाँ पैसे लेने या शार्क का वैल्यू लेने नहीं आए, आप यहाँ अपने लीग को प्रमोट करने आए, ठीक है? क्योंकि आई डोंट सी, आपके पास ऑलरेडी 20 करोड़ आ गया है शी कैपिटल से, तो जो भी सपोर्ट और बाहर की सपोर्ट, ब्रांडिंग आपको चाहिए, एडवाइजरी चाहिए, वो तो मिल ही रही है आपको. सो इस वजह से, आपके वैल्यूएशन की वजह से, राइट, टुडे आई एम सॉरी, लाइक मुझे आउट होना पड़ेगा. श्योर, थैंक यू. आई मीन आई अप्रिशिएट, बट वी आर हियर विद अ क्लियर गोल, बट फेयर पॉइंट. नमिता, आप बात कर सकते हो? हां, ऑफ कोर्स. मैंने स्पोर्ट्स में बहुत पैसा लगाया ऑफ लेट. ओके. तो मेरे को स्पोर्ट्स का वैल्यू चमकता है फॉर अ बिजनेस, बट जो आप जो कर रहे हो ना अभी, वो मेरे को अभी भी थोड़ा, जो ये प्रीमियर लीग वगैरह है, ये मेरे लिए क्लब ही है. राइट, करेक्ट. मतलब ये रईसी दिखाने के शौकिया चीजें हैं, समझ गया मैं. इसमें बिजनेस मेरे को नहीं दिख रहा है, इसलिए मैं आउट हूँ. और अब बाकी शाक से बात कर सकते हैं. थैंक यू अश्नी. अरविंद, सोहेल, आपको ऑलरेडी एक वैल्यूएशन अच्छी मिली हुई है और यू नो इसको समझना पड़ेगा और यू नो तो अभी थोड़ा सा ना, मेरे लिए थोड़ा जल्दी है. मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कैसे आप लोगों की थोड़ी मदद कर पाऊंगा, थोड़ा बिजनेस और थोड़ा डेवलप होगा. मैं इन दोनों पे छोड़ता हूं, मैं अभी के लिए आउट हो जाता हूं, लेकिन थोड़ा सा स्पॉन्सर तो रहोगे ना? हां, वी विल कम बैक टू यू फॉर दिस. एब्सोल्युटली. एंड यू मे नॉट, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इतना अच्छा कर रहे हो कि यू नो कि हम लोग आपके पीछे भागेंगे. तो अभी आपको दो शार्क्स मिल रहे हैं, महिलाएं. मैं और विनीता साथ में आप में इन्वेस्ट करना चाहेंगे, बट क्योंकि हम बहुत अलग स्ट्रेंथ्स लाते हैं. मेरा एक्यूमेन ज़्यादा होगा कि मैंने ये किया हुआ है फाइनेंशियल टर्म्स, ऑपरेशनल टर्म्स में आई कैन हेल्प यू. उन्होंने ब्रांड बिल्ड किए है, ह्यूज कंज्यूमर आउटरीच है, बट फॉर द एक्सपर्टीज जो हम ला रहे हैं उसके लिए हमारा ऑफर है 80 लाख फॉर 6%, ताकि हमें 3 और 3 मिले. देयर इज स्किन इन द गेम. फर्स्टली थैंक यू. आई थिंक यू बोथ ब्रिंग अ वेरी डिफरेंट फैसेट, जैसे हम भी, आई थिंक वी ब्रिंग वेरी डिफरेंट साइड्स टू इट, सो यू नो वी अप्रिशिएट दैट. वी हैव अ काउंटर ऑफर 1.2 करोड़ फॉर 5%. आपको भी पता है, हमें भी पता है कि इसमें रेवेन्यू लॉन्ग टर्म है. यस यस. एंड हम 10 साल होराइजन की बात कर रहे हैं. एग्जैक्टली 100%. 6 के नीचे हम नहीं जाएंगे. ओके. वुड यू बी विलिंग टू डू 1 for 5%, 1 for 6? नो, आई एम सॉरी, बट आई थिंक वी शुड स्टॉप राइट हियर बिकॉज़. बता दीजिए यार, फैसला क्या? वी हैव बीन वेरी क्लियर. खत्म कीजिए यार, इस पार या उस पार. 4 for 6, वी विल हैव टू गिव 1, 2, 3. हाउ मच विल वी हैव टू डाइवर्स? We'll structure it separately. How will we have to diversify between you and myself? Yeah.
मैं आपके लिए काउंटडाउन देता हूं इनको आ गए ही दे रेडी यस नाइन चलिए बोलिए अमिता विनीता डील पक्की थैंक यू कांग्रेचुलेशंस गाइस थैंक यू अमिता वेरी नाइस मोस्ट आई एम रियली मिसिंग माय फ्रेंड हियर दे शुड हैव बीन इन द मिडिल आई नो वी आर सो एक्साइटेड थैंक यू Super excited about this. Thank you. हेलो शार्क्स हाय शार्क्स मेरा नाम निधि है और मेरा नाम अनुज है और हम दोनों फाउंडर्स हैं शेड्स ऑफ स्प्रिंग के हम यहाँ आए हैं नमा बैंगलोर से एंशिएंट टाइम्स से फ्लावर गिफ्टिंग सभी कल्चर्स में एक पॉपुलर चॉइस ऑफ गिफ्टिंग है चाहे कोई ओकेजन हो या फेस्टिवल या शादी या इमोशंस का एक्सप्रेशन फ्लावर्स हर एक चीज को स्पेशल बना ही देता है इनफैक्ट अगर बिना किसी बात के भी आपको कोई फ्लावर्स दे दे तो आपके चेहरे पे हंसी तो आ ही जाती है ये तो बिना बात नहीं हुई आप तो कुछ लेने आए हो अभी हमें पता नहीं है मिलेगा कि ये बात सही है थैंक यू वेरी मच दे ब्यूटीफुल थैंक यू दे आर लवली थैंक यू ये बताना ये मैंने फ्लावर देखा नहीं कभी ये फ्लावर है ये भूसा है पैम्पस ग्रास बोलते हैं ये फ्लावर होता है कमाल है भाई मेरी ड्रेस के साथ मैचिंग भी है और चाहिए लो ये लो थैंक यू ग्लोबल गिफ्टिंग इंडस्ट्री 50 लाख करोड़ की है और फ्लावर्स उसके अंदर एक मेन एंकर प्रोडक्ट है लेकिन कहां है वो कंपनी जिसकी फ्लावर्स हमें देने में और लेने में बहुत खुशी मिलती है और जिसके बारे में हम जाके अपने दोस्तों को बताते हैं और कौन सी है वो कंपनी जो कि कंबाइन करेगी ब्रांड और फ्लोरिस्ट्री को सप्लाई चेन और सोर्सिंग को और टेक एंड डेटा को ताकि हमें मिले नए एग्जॉटिक फ्लावर्स हर महीने हर सीजन थिंक नो मोर प्रेजेंटिंग टू यू शेड्स ऑफ स्प्रिंग शेड्स ऑफ स्प्रिंग अपने कस्टमर्स को देती है 300 प्लस वैरायटी ऑफ फार्म फ्रेश फ्लावर्स हमारा फ्लैगशिप प्रोडक्ट है DIY Flower Subscription Box जो हमने इनोवेट किया था बैक इन 2019 जहाँ पे आपको फ्लावर्स मिलते हैं विद इन 48 टू 72 आवर्स ऑफ हार्वेस्ट फ्रॉम फार्म टू योर डोरस्टेप और फ्रेश रहते हैं आपके घर में 7 प्लस डेज तक ये फ्लावर्स आपको मिलते हैं सिर्फ 350 रुपीज पर डिलीवरी अब आपको अपने मनपसंद फ्लावर्स लेने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं है बिकॉज वी आर जस्ट अ क्लिक अवे सो शार्क्स कौन इन्वेस्ट करना चाहता है वर्ल्ड की बेस्ट गिफ्टिंग फ्लावर इंडस्ट्री में हम यहाँ पे उठाने आए हैं 3 crores फॉर 1% स्टेक इन आर फ्लावर बिजनेस सुन के कुछ हो गया था आपने जो फूलों की महक थी ना कमरे में सारी उड़ा दी इसका वैल्यूएशन क्या हुआ आपको पता है मतलब 100 crores का रेवेन्यू होगा तो हमारा इस साल का ट्रेंडिंग रेवेन्यू है 9 crores का Not bad. लास्ट ईयर हमने किया था 2.5 crores एंड फर्स्ट ईयर जब हम व्हाट्सएप पे मेजरली काम करते थे तब हमने किया था 50 lakhs इसमें आपका मार्जिन कितना है हमारा ग्रॉस मार्जिन है 29% का क्रॉस मार्जिन कम नहीं है ये इस इंडस्ट्री के लिए क्योंकि तो फ्रेश प्रोड्यूस की इंडस्ट्री है इसमें मार्जिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए आपको दूसरी चीज़ मेरे को आपकी वैल्यूएशन बहुत स्टीप लगी आप 9 crore के रेवेन्यू पे 300 crore की वैल्यूएशन मांग रहे हैं जो किसी भी मल्टीपल के हिसाब से नहीं बैठती तो वैल्यूएशन हम लोगों ने कैसे लगाई है अभी हमारा 75% प्लस रेवेन्यू बैंगलोर सिटी से है फ्यूचर की हमने ग्रोथ देखी है कि कितनी होगी और डिस्काउंटेड कैश फ्लो के थ्रू हमने अपनी वैल्यूएशन इतनी लगाई है हम बहुत बारी सुन चुके हैं शो में मैं आपको डिस्काउंटेड कैश फ्लो के एक्सेल दे दूंगा ना आपको नहीं समझ आएगा कैसे निकालना तो लेट्स नॉट यू नो फेक इट टिल यू मेक इट वैल्यूएशन भूल जाओ कैसे होती है
मोटा मोटा समझ होनी चाहिए कि धंधे की क्या नंबर आ। आप मेरे को एक बात बताओ, आपका 9 करोड़ रुपए का धंधा है, आपका अगर मैं 30% भी मार्जिन मान लूँ, आप 3 करोड़ रुपए कमाते हो साल के, 3 करोड़ रुपए के लिए आपको 100 times क्या कहते हैं एबिटडा भी नहीं, ये तो ग्रॉस मार्जिन मल्टीपल है, आपको 100 times मतलब मैं अगर आप नहीं ग्रो करें, अगर इस वैल्यूएशन पर लगा दिए पैसे, मैं उस 100 साल में मेरे पैसे वापस आएंगे। बिजनेस करना सिर्फ ये नहीं है कि दुकान में गए और माल बेच दिया, एक जनरल अवेयरनेस होनी जरूरी है इंसान को कि यार क्या चल रहा है मार्केट में, मैं सामने से किसी से कुछ मांगूंगा तो क्या मैं समझदार लगूंगा या मैं बेवकूफ लगूंगा। आई एम रियली सॉरी, इसमें आप बहुत बड़े बेवकूफ लग रहे हैं, आपके धंधे की मेरे को बहुत रिस्पेक्ट है, 9 करोड़ रुपए का माल बेचना हिंदुस्तान में बहुत मुश्किल चीज है, कोई भी चीज बेचनी हो धंधे की टोटल रिस्पेक्ट है, बट जनरल अवेयरनेस आई एम रियली सॉरी, यू हैव लॉस्ट मी ऑन दैट। आपको साथ प्रॉब्लम पता है, आप फूल देते हो, फूल लेते हो और दूसरों को फूल समझते हो। आप ये वैल्यूएशन 300 करोड़ की जो लेके आए हो ना, आपने हमारे को फूल समझा है। 300 करोड़ की वैल्यूएशन इसकी नहीं है, इसकी वैल्यूएशन कुछ है ही नहीं, क्योंकि ये आपकी नॉर्मल बिजनेस, अगर आप लॉजिकली कुछ लेके आते तो ठीक भी था, इन 300 करोड़ के लिए आई विल बी अ फूल टू गिव यू मनी एट 300 करोड़। आई एम सॉरी टू से आई एम ऑल्सो आउट। दो शाख आउट है और दोनों इसलिए आउट है क्योंकि आपने ये वैल्यूएशन इतना बड़ा रखा कि सब चकरा गए। आपने कुछ थोड़े बड़े वर्ड्स थ्रो किए हैं, डेटा, सब्सक्रिप्शन, तो उसके बारे में जानना चाहेंगे, पर उसके पहले आप बताइए आपने ये कब शुरू किया, आप एक दूसरे को कैसे जानते हैं, थोड़ा बैकग्राउंड दीजिए। सो हम लोग मिले थे शादी.com पे और वो आपकी तरह बैंगनी कपड़े भी पहन के आए, बिल्कुल और उनका ब्रांड का कलर भी बैंगनी। You know, एक हफ्ता ऐसा नहीं जाता that I don't meet a couple who's married on shaadi.com. That's so great. Great to meet you this week. चलो deal done, दे दो पैसे। So अभी आपका जो revenue आ रहा है 9 करोड़, ये कहाँ से आपको customers ढूंढ रहे हैं और क्या चीज सबसे ज्यादा चल रही है? So हमारा 50% revenue आता है हमारी subscription से, जहाँ पे customers पूरा का पूरा revenue upfront देते हैं। हमारे पास subscription box है, आप यहाँ पे आके मैं आपको demo दे सकती हूँ। अच्छा, चलिए। So, ये 350 रुपये में आता है, ये 350 में आता है। आपको हर एक बॉक्स में इंस्ट्रक्शंस है, इसमें पीछे इंस्ट्रक्शंस है कि आपको क्या करना है। तो ये सेल्फ कंजम्पशन का है, अगर मुझे अपने घर में फ्लावर्स फ्रेश चाहिए तो yes. मैं रखूँ, ये गिफ्टिंग का बिजनेस नहीं है। 80% लोग सेल्फ कंजम्पशन लेते हैं, 20% गिफ्टिंग। पर इसमें गिफ्टिंग कैसे होगा, मैं इसको फिर रिबन लगा के अगर किसी को दूँ? आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, वेबसाइट पे आप गिफ्ट सब्सक्रिप्शन खरीद सकते हैं। तो मैं किसी को ये पूरा बॉक्स भिजवाऊं? सब्सक्रिप्शन फॉर 6 months आप खरीद सकते हैं। पर तो गाली पड़ेगी ना उनसे, अगर किसी को आप ऐसे भेजो इंडिया में, इंस्टेड ऑफ लाइक एक गुलदस्ता मिल जाएगा 600 रुपए में, उसकी जगह आप किसी को ये भेजो, तो गिफ्टिंग के लिए एक्सपीरियंस खराब नहीं है? तो एक्चुअली ये थोड़ा ऐसे होता है कि 1500 रुपीस का एवरेज बुके आप गिफ्ट करेंगे, उसकी जगह पे जिसको आपने गिफ्ट किया उसको पूरे महीने फ्लावर्स आते हैं, एंड इस तरीके से लोगों को ज्यादा पसंद आता है कि ओके मैं उसका पूरा महीना या पूरे 6 महीने उसको। तो आप 350 रुपए में एक डब्बा दे रहे हैं? यस, 350। बट यू आर गिफ्टिंग द सब्सक्रिप्शन, यू आर नॉट गिफ्टिंग द बॉक्स। यस विनीता जी, वो लेके आएंगे आप डब्बा ऑन द वे बैक। थैंक यू। आपने पूछा था कि हमारा रेवेन्यू कैसे आता है, तो सब्सक्रिप्शन पे हमारा मार्जिन कम होता है 20%, बुकेज पे हमारा मार्जिन ज्यादा होता है 40%। 50-50% रेवेन्यू स्प्लिट है दोनों के बीच में। सो आइडिया बहुत सिंपल होता है, जब लोग सब्सक्रिप्शन लेते हैं तब उन्हें पता होता है कि फ्लावर्स इक्वल टू शेड्स ऑफ स्प्रिंग, तो फ्यूचर में जब भी गिफ्टिंग नीड आएगी तो शेड्स ऑफ स्प्रिंग पे ही आएंगे। 350 रुपए में ये बहुत ही अट्रैक्टिव चीज है, क्योंकि 350 में इतने ऐसा फ्रेश फ्लावर्स मिलना मुश्किल होता है, तो आई कैन अंडरस्टैंड क्यों आपका रेवेन्यू 50% इसमें से आ रहा है। पर जो कंज्यूमर्स ऐसा ऐसी शौकीन स्पेसिफिक चीज के लेते हैं, वो बहुत नीश है, वो मार्केट बहुत छोटा है इंडिया में। मतलब ऐसे बहुत रिच लोग होते हैं जिनके घर पे फ्रेश फ्लावर्स होते हैं, अनफॉर्चुनेटली मोस्ट लोग के घर पे या तो प्लांट्स होते हैं या फिर आर्टिफिशियल फ्लावर्स डेकोरेशन के लिए होते हैं। ये जो मार्केट है मुझे लगता है ये बहुत छोटा है। सब्सक्रिप्शन में दूसरी प्रॉब्लम ये है कि इंडिया में सब्सक्रिप्शन बिजनेस बहुत कम स्केल हुए हैं राइट नाउ, जो आप कर रहे हैं बैंगलोर में, बिकॉज आपने ये प्राइस पॉइंट क्रैक किया है एंड बैंगलोर में सबसे ज्यादा अर्ली अडॉप्टर्स हैं जो टेक सब्सक्रिप्शन कर सकते हैं, अभी चल रहा है।
पर मुझे डाउट है कि ये 15-20 करोड़ के बियॉन्ड बिजनेस जा सकता है और आपकी वैल्यूएशन 300 करोड़ है, तो आई एम आउट. थैंक यू. तो अभी सिचुएशन है, 3 शार्क आउट है, 2 बच्चे हैं, आप क्या करना चाहेंगे? सेम रीजन, 300 करोड़ का वैल्यूएशन इज एक्सट्रीमली हाई फॉर दिस बिजनेस, सो आई एम आउट. बट ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू. मुझे लग रहा है आप बहुत कुछ कर रहे हो अभी इतने छोटे इंडस्ट्री में जो प्रूव नहीं हुआ इंडिया में. यस, समटाइम्स यू हैव टू डू वर्टिकल इंटीग्रेशन, बट लेकिन आप सप्लाई से लेके इंपोर्टिंग से लेके B2B से लेके B2C सब कर रहे हो. आई थिंक इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड और इसकी ग्रोथ स्ट्रेटजी क्लियर नहीं है. मैं बड़े प्यार से कह रहा हूँ क्योंकि आप shaadi.com पे मिले थे, मुझे भी आज आउट होना पड़ेगा. आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड आई होप यू प्रूव अस रॉन्ग, बट टुडे यू डोंट हैव एन ऑफर. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. ऑल द बेस्ट. ऑल द बेस्ट. कमाल है, 300 करोड़ दे की वैल्यूएशन. 300 करोड़. इट्स नाइस या. अरे वाह, कुछ अलग देखने को मिला. या. नमस्ते शार्क्स, मेरा नाम है मयंक पारिक, मैं 30 साल का हूँ और मैं आया हूँ बैंगलोर से. बर्थडेज हम सबके लाइफ के अंदर बहुत स्पेशल इंपॉर्टेंस होल्ड करते हैं. मेरा 24th बर्थडे बहुत स्पेशल होने वाला था. प्लान सेट था कि पूरे के पूरे MBA के बैच के साथ जाएंगे सिंगापुर, नानयांग यूनिवर्सिटी, इमर्शन प्रोग्राम, बर्थडे सेलिब्रेशन, बिल्कुल एक्साइटेड. बट अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसा हुआ, मुझे अपने कॉलेज से ड्रॉप आउट करना पड़ा. मेरा एजुकेशन लोन अप्रूव नहीं हुआ. मेरी जो फैमिली है वो इतनी फाइनेंशियली साउंड नहीं थी मॉर्गेज के लिए अपनी कोई प्रॉपर्टी या कोई एसेट रख सके, और इस वजह से मेरा लोन अप्रूव नहीं हुआ. आई थिंक हमारे देश के अंदर मुझ जैसे पता नहीं कितने ही मयंक और भी होंगे, और उसका जो प्रमुख कारण है वो है पैसों का अभाव. मैंने जब ढूंढना शुरू किया तो मुझे मालूम पड़ा कि एक बहुत बड़ा गैप है बिटवीन स्टूडेंट्स जिन्हें इस हेल्प की ज़रूरत है और स्कॉलरशिप्स जो कि हमारी कंट्री के अंदर काफ़ी अवेलेबल है. सो इसके लिए एक सोल्यूशन ढूंढने की ज़रूरत थी. जैसा कि हम जानते हैं कि CSR हमारे देश के अंदर बहुत जल्दी जल्दी बूम कर रहा है, पिछले 5 सालों के अंदर वो 1,00,000 करोड़ टच कर चुका है. तो हमने ये एक अपॉर्चुनिटी देखी एंड हमने डिसाइड किया कि इसको हम ब्रिज करेंगे, एंड दैट इज व्हेन हमने अपना बनाया प्रोडक्ट स्कॉलीफाई. स्कॉलीफाई एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए हम स्टूडेंट्स को मैच करते हैं उनके लिए अवेलेबल स्कॉलरशिप से, वो भी सिर्फ 3 स्टेप्स में. हमने ये देखा कि एक बहुत बड़ा गैप है जहाँ पे कि अवेयरनेस नहीं है, प्रोसेस बहुत डिफिकल्ट है, बच्चों को पता नहीं है कैसे अप्लाई करना है. सो हमने वो सारा काम अपने ऐप के थ्रू करने का डिसाइड किया और सिर्फ एक बटन दबा के जस्ट विद 1 क्लिक वो अपनी मन चाही स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं. सो बेसिकली कि ना ही कोई लंबे फॉर्म्स भरने का झंझट है, ना ही डॉक्यूमेंट्स बार बार अपलोड करने का झंझट, सिर्फ और सिर्फ स्कॉलरशिप्स फटाफट. पिछले 1 साल के अंदर हम लोगों ने अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर अराउंड 7.5 लाख यूजर्स को रजिस्टर किया है. हमारा मिशन है कि विद स्कॉलीफाई हम इम्पैक्ट स्पेस से सोशल एंटरप्राइज के तरीके से इंडिया की एक पहली यूनिकॉर्न कंपनी बनने का सपना है हमारा. सो शार्क्स, अपने कंपनी के ग्रोथ के लिए 50 लाख की आपके एक निवेश हमारी कंपनी के 7.5% हिस्से के बदले. एक आपकी बात ना मुझे खटक रही है जी. आपने बोला आई वांट टू बी द यूनिकॉर्न जी. ये ना एक फैड है. फैड पता क्या होता है ना? आई अंडरस्टैंड जी. सो मैं कह रहा हूँ कि ये यूनिकॉर्न की दौड़ में मत जाओ जी. हम लोग यूनिकॉर्न नहीं है पर बन रहे हैं, बन जाएंगे इंशाल्लाह जी. पर हम उसके लिए स्टार्ट नहीं करते. नहीं, हमारा जो स्टार्ट करने का पर्पस है वो ही कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना. यू सेड आई वांट टू बी द फर्स्ट यूनिकॉर्न इन दिस स्पेस. इट्स एन एस्पिरेशन. बट नो, डोंट कीप द वैल्यूएशन एज योर एस्पिरेशन. वैल्यू बनाओ, वैल्यूएशन आ जाएगी पहले. ठीक है? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. आर यू इनटू बिजनेस जी और इनटू CSR? नो, वी आर इनटू बिजनेस, प्योरली इनटू बिजनेस. इट्स अ फॉर प्रॉफिट कंपनी. तो अगर मैं स्टूडेंट हूँ तो मैं स्कॉलरशिप अप्लाई करूंगा, अगर मैं CSR हूँ तो मैं पैसे दूंगा फॉर हेल्पिंग कंज्यूमर्स, राइट? रेवेन्यू मॉडल क्या है आपका, पैसे कैसे कमाते हो? दोनों अलग अलग वर्टिकल्स है. तो ये जो हम लाइसेंस ऑफर करते हैं कॉर्पोरेट्स को फॉर देयर इंप्लीमेंटेशन ऑफ CSR, उसके लिए वी चार्ज अ लाइसेंस फी. उसके अलावा इट्स अ सब्सक्रिप्शन मॉडल जो हमने इंट्रोड्यूस किया है अपने स्टूडेंट्स के लिए, यूजर्स के लिए, जो कि हमने बहुत ही इकोनॉमिकली प्राइस किया है. साथ ही साथ में जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है वो ये है कि हम लोग कंडक्ट करते हैं एक स्कॉलरशिप टेस्ट एवरी क्वार्टर. सो ये जो टेस्ट होता है ये सिर्फ पेड यूजर्स के लिए ही अवेलेबल है. सो लेट्स से दिस इज 75% ऑफ द रेवेन्यू सिस्टम. 25% कौन सा है? 75% B2C और B2C स्टूडेंट B2C जी. और कितना है साथ में ये भी बता दीजिए रेवेन्यू. अभी तक वी आर प्री रेवेन्यू. अभी आपका रेवेन्यू जीरो है. स्कॉलरशिप कितनी दी गई है आपके सिस्टम के थ्रू? तकरीबन 2,200 बच्चों को हमने दी अब तक स्कॉलरशिप पिछले 1 साल के अंदर. वैल्यू क्या है स्कॉलरशिप की? 4-5 crores. और उसमें आपने कितना कमाया? कुछ नहीं. बहुत बढ़िया.
विच क्वालिफाई हम इम्पैक्ट स्पेस से सोशल एंटरप्राइज के तरीके से इंडिया की एक पहली यूनिकॉर्न कंपनी बनने का सपना है हमारा. सो शार्क्स, 50 लाख की आपके एक निवेश हमारी कंपनी के 7.5% हिस्से के बदले. वैल्यू क्या है स्कॉलरशिप की? 4 to 5 crores. और उसमें आपने कितना कमाया? कुछ नहीं. बहुत बढ़िया. आप इसका SaaS सब्सक्रिप्शन सर्विस कॉर्पोरेट से लेने के बजाय जी आप हर स्कॉलरशिप पे 10% कमीशन नहीं ले सकते हैं? हमने एक छोटा सा पायलट रन किया था, उसके अंदर हमारे पास अराउंड 1 हफ्ते के अंदर बिना किसी मार्केटिंग के ऑर्गेनिकली ऑटोमेटिकली हमारे पास अराउंड 200 यूजर्स आए जिन्होंने कि बिना कुछ देखे वो प्लान बाय कर लिया. तो दैट वाज द प्रूफ ऑफ कंसेप्ट कि जो प्राइस अगर हमने कम रखा है, हम वैल्यू ऑफर कर रहे हैं, एड ऑन हम दे रहे साथ में अगर, तो वो एक वर्थवाइल डील बनती है स्टूडेंट्स के लिए. सिर्फ भारत की स्कॉलरशिप्स कर रहे हैं आप कि ग्लोबली कर रहे हैं? नो, सो वी आर इंडिया फोकस्ड. इंडिया में टोटल स्कॉलरशिप की वैल्यू कितनी होगी आज की तारीख? तो लास्ट ईयर अराउंड 2667 क्रॉस की स्कॉलरशिप डिसबर्स हुई थी. तो उसमें से आप जो मार्केट प्लेस मेकर हैं, जो बीच में जो खिलाड़ी है, क्योंकि ये सीएसआर का काम है, मुझे नहीं लगता है 20 तक जा सकते हो, आप 10% ले सकते हो ज्यादा से ज्यादा. इंडस्ट्री साइज आपका साइज डिटरमिन करेगी जी. तो आप उसमें कैसे भी करके 10% अगर निकाल लेते हैं, 400, 500, 300 इतना करोड़ की इंडस्ट्री रहेगी. तो या ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी है कि आप यूनिकॉर्न बना सकते हैं? और अगर नहीं है तो आपने क्या स्टूडेंट लोन्स के बारे में सोचा है? नहीं नहीं. सो पर्सनली मैं उसके अगेंस्ट हूँ, बिकॉज अगर मैं स्टूडेंट लोन ऑफर करता हूँ तो कहीं ना कहीं दिखेंगे ना, तो बात वहीं पे आ गई फिर कि लोन्स लेने हैं. ये उनके लिए है जिनके पास प्रॉपर्टीज नहीं है, जिनको लोन्स नहीं मिल रहे हैं. मेरे को बिल्कुल आपकी बात, जैसे वो कहते रहे अश्नीर भाई कहते हैं, समझ ही नहीं आ रही है फ्रेंकली बताऊँ. ओके, लोन लेने से क्या प्रॉब्लम है भाई? मैंने भी लिया था, मैं एमबीए करने गया था, मैंने लोन लिया. उन्होंने मेरी डिग्री मॉर्गेज रखी थी कि जब तक आप लोन पूरा नहीं करोगे आपकी डिग्री नहीं देंगे. 5-6 साल लगाए, नौकरी से पैसा कमाया और लोन पूरा कर दिया. आप इसके अगेंस्ट क्यों भाई? इसकी मार्केट है, मैं खुद बोल रहा हूँ इसकी मार्केट है. मैं खुद एक्सचेंज प्रोग्राम में गया था फ्रांस और मेरे को स्कॉलरशिप मिली थी फ्रेंच एम्बेसी से और वो तुक्का था. तो इसकी बिल्कुल मार्केट है, बट आप इसको बिजनेस की तरह नहीं सोच रहे हो. हिंदुस्तान में बेस्ट स्कॉलरशिप की स्कीम एक रेस्टोरेंट ने चलाई है आज तक, वो है निरुलास. जब हम छोटे होते थे अगर आपके 90% से ऊपर मार्क्स आते थे आप अपने रिपोर्ट कार्ड ले जाओ निरुलास में, चॉकलेट फज मिलता था और आपके रिपोर्ट कार्ड पे स्टैंप लगा दी जाती थी निरुलास की. वो कस्टमर एक्विजिशन कर रहे थे. बिल्कुल. आप कर क्या रहे हो? आप एक तरफ बोल रहे हो बहुत सारे लोग हैं जिनको स्कॉलरशिप देनी है जी, और बहुत सारे बच्चे हैं जिनको स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए जी. तो आप एक प्लेटफॉर्म बना रहे हो, वो बहुत ही बढ़िया आइडिया. अभी तक मेरे को किसी ने पिच नहीं करा आइडिया, बट इससे बड़ी चीज नहीं बनेगी. आप एक पेमेंट गेटवे की तरह एक्ट कर रहे हो. आप बोल रहे हो जिसको स्कॉलरशिप मिलेगी वो फीस दे. आपको इसको मॉडल चेंज करना पड़ेगा. पहली चीज वो बोल रहे हैं कि आप जो जिसको स्कॉलरशिप देनी है आप उससे ही कमीशन लीजिए. दूसरी चीज आप ये सोचिए कि जिसको नहीं मिल रही स्कॉलरशिप उसका आपके प्लेटफॉर्म का क्या फायदा हुआ? कोई फायदा है उसको? अभी आज की डेट में 7.5 लाख बच्चे ने अपनी डिटेल्स भरी आपके प्लेटफॉर्म पे, आपने एक्वायर करा है, तो आपको उसको मोनेटाइजेशन के बारे में सोचना पड़ेगा. ये सिंपल पॉइंट ये बोल रहे हैं आपको. विच क्वालिफाई हम इम्पैक्ट स्पेस से सोशल एंटरप्राइज के तरीके से इंडिया की एक पहली यूनिकॉर्न कंपनी बनने का सपना है हमारा. सो शार्क्स, 50 लाख की आपके एक निवेश हमारी कंपनी के 7.5% हिस्से के बदले. तो इसमें आपकी टीम क्या है? आपके पास टेक टीम है या सिर्फ आप चला रहे हैं इसको? मैंने ये जर्नी शुरू की थी ऑलमोस्ट 3.5 साल पहले. आई हैड अ फ्रेंड जो कि मेरा कोफाउंडर बनने वाला था, बट हमारे कुछ डिफरेंसेस हुए. एक कंपनी है, हम उनके ऑफिस में थे गुड़गांव के अंदर टू गेट द डील. ऑलमोस्ट सब कुछ फाइनल हो चुका था. हम उनको दिखाए थे फाइनल डेमो एंड इट डिड नॉट वर्क. हम नेक्स्ट डे फिर से गए, द सेम थिंग हैपेंड. वो फिर से उसने काम नहीं किया एंड जो मेरा कोफाउंडर था उसने कॉल रिस्पॉन्ड नहीं किया, फोन स्विच ऑफ कर दिया. और उसके बाद हमारी स्ट्रगल शुरू हुई बिकॉज आई कैन नॉट कोड, मुझे कोडिंग नहीं आती है. तो एक विश्वास करने बहुत टाइम लगा कि किसको लेके आए किसको नहीं लेके आए. इवेंचुअली एक कॉलेज है गांधीनगर के अंदर, मुझे वहाँ बुलाया गया था फॉर अ इवेंट एज अ पैनलिस्ट. तो वहाँ पे मुझे कुछ बच्चे मिले, तो आई हायर 3 इंटर्न्स वहाँ से. तो उनको लेके आया एंड उनके साथ बैठ के हमने दिन रात कोडिंग की, हमने प्रोडक्ट को फिर से फ्रॉम द स्क्रैच बनाया. मेरे पापा मुझे आज ही रोज पूछते हैं कि तेरा काम क्या हो गया. मैं चल रहा है पापा, एंड ही लाइक चल तो बेटा 3 साल से रहा है, हो क्या रहा है वो बता. तो शादी करानी है, वो एक प्रेशर रहता है, टिपिकल मारवाड़ी फैमिली यू नो. तो यार मैं तो दो टूक शब्दों में बोल देता हूँ, प्रॉब्लम सही है, तेरे से ना हो पाएगा. उसका सिंपल कारण ये है, तो मेरे को एक बात बता दे. तू बोल रहा है कि मैं कॉर्पोरेट से स्कॉलरशिप ले आऊँगा, स्कॉलरशिप जाएगी बच्चे को. अगर इतना ही सिंपल था और इतना सब कुछ कर सकता था सिस्टम,
तो एक स्कॉलरशिप बना लेता, जो जो बच्चे उसको स्कॉलरशिप मिलती उसको बोलता आके मेरी कोडिंग कर दे यार। पहले अपने लिए तो सोच, अपनी प्रॉब्लम ही नहीं सॉल्व कर पा रहा तो दूसरों की क्या प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। तो मेरे को लगता है भाई तू नौकरी ढूंढ, तेरे को पहले समझना पड़ेगा धंधा होता कैसे है। यूनिकॉर्न बनने के लिए कूद गया तू, नहीं हो पाएगा तेरे से, छोड़ दे इसको, अपना भी टाइम वेस्ट कर रहा है। हाँ ये बात मैं मानूंगा, ये स्क्रीन तेरे आने से पहले वॉज द हाईलाइट, उसके बाद से सब डाउन हिल गया। बट अभी जो तू बेच रहा है ना वो मैं तो नहीं खरीद सकता। मैं आपका बिजनेस मॉडल नहीं समझ पाया, मैं ये भी नहीं समझ पाया कि आपके मार्केट साइज है या नहीं है और इसमें से पैसे कैसे बनाओ। इसीलिए आई एम सॉरी बट मुझे आउट होना पड़ेगा। सॉरी टू हियर दैट सर, आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। बहुत सारा काम करना बाकी है आपको और उसके वजह से आई एम आउट। मेरा भी व्यू है, स्कॉलिफाई नाम बहुत अच्छा है, यू नो ट्रेडमार्क करा लो इसको रख लो, बट बिजनेस मॉडल मुझे अभी तक समझ नहीं आया है, आप बहुत कंफ्यूज लगे, फॉर दैट रीजन आई एम आउट, बट यू नो ऑल द बेस्ट फॉर योर बिजनेस। थैंक यू। मयंक, आई लव आपका रेजिलियंस, आई एम वेरी इंस्पायर्ड। मुझे लगता है कि एंटरप्रेन्योरशिप में रेजिलियंस इंपॉर्टेंट कुछ चीज नहीं है, पर आई होप यू गेट सम रेवेन्यू एंड कम बैक टू फंड रेजिंग। Absolutely. Thank you. Thank you. Best of luck, Mayank. Thank Thanks. you so much. Thank Good you. luck, Mayank. Na Rashneer, thoda sa to. नहीं, Rashneer. Sugar coated. मैं बोला करो. मैं भी यही बोलना चाहता था, but आपने मेरी बातें बोल दी. कि उससे नहीं होगा. That is like really pushing. But एक question मुझे आप लोगों को पूछना है. अगर choice है, हम उनको ये क्यों नहीं बोल सकते कि भाई तुझसे scale नहीं होगा, but हाँ, छोटा या mid-size business तू कर सकता है, डायरेक्ट सैलरी कर, उसका उसका गोल आप उसका गोल देखिए, उसका लक्ष्य देखिए ना। समटाइम्स यू आर नाइसेस्ट टू पीपल बाय बीइंग नॉट बीइंग नाइस टू देम। ठीक है, मैं आज अगर इसको मैं भड़का दिया है ना उसको कि तेरे से नहीं हो पाएगा, बेस्ट काम किया इसके लिए। दूसरी दूसरी बता सकता है कि एस्पिरेशन लोअर कर, वी ऑल होप ही प्रूव्स अश्नीर रॉन्ग। इवन ही होप्स ही प्रूव्स इट। लेकिन ये बट इसमें बिजनेस का लेकिन ये बिजनेस सेंस नहीं, छोटा बनेगा बड़ा नहीं।